कंट्री टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलिशा इकबाल। नाजरीन, आज का मेरा टॉपिक है आसिफ मर्चेंट, अमरीकी सियासतदानों के कत्ल की मनसूबा बंदी के इल्जाम में गिरफ्तार। पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंटों को उजड़ती कातिल समझे, अमरीका ने आसिफ मर्चेंट नामी एक पाकिस्तानी शहरी को अमरीकी सरजमीन पर डोनाल्ड ट्रंप समेत सियासतदानों के कत्ल की मनसूबा बंदी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर ईरानी से करीबी तलुकात का भी इल्जाम है। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में अमरीकी हुकाम की तहवील में हैं और इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। एक बयान में अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना था कि 47 साल आसिफ रजा मर्चेंट ने मबैना तौर पर अमरीकी सरजमीन पर एक सियासतदान या हुकूमती अहदेदार के कत्ल की मनसूबा बंदी की थी। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में हिटमैन यानी किराए के कातिल को भर्ती करने की भी कोशिश की। ब्रुकलिन की वफाकी अदालत में इस्तगासा की तरफ से जमा कराई दस्तावेजात मंगल को मंजर आम पर लाई गई, जिनमें अमरीकी हुकाम का दावा है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों ने आसिफ मर्चेंट की जानिब से कत्ल की, इसकी मनसूबा बंदी को नाकाम बनाया और ऐसा कोई हमला होने से रोका है। महकमा इंसाफ की जानिब से पेश किए जाने वाले दस्तावेजात में मबैना अहदाफ के नाम नहीं दिए गए। ताहम अमरीकी ज़राए इब्लाग की खबरों में FBI के जरिए के हवाले से बताया गया है कि इन अहदाफ में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है, क्योंकि इन्होंने सना 2020 के दौरान ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमले की मंजूरी दे दी। वाजिया रहे कि इस इल्ज़ाम का 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके दौरान 20 साल थॉमस मैथ्यू ने साबिक अमरीकी सदर पर गोली चलाई थी। ताहम जून में अमरीकी हुकाम के मुताबिक मबीना ईरानी मनसूबे की खुफिया अतलात मिलने के बाद ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। ट्रंप पर इल्ज़ाम का 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जानते हैं कि आसिफ मर्चेंट हैं कौन। दस्तावेजात के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने आसिफ मर्चेंट के बारे में दावा किया है कि इनका पूरा नाम आसिफ रजा मर्चेंट है और वो पाकिस्तानी शहरी हैं। दस्तावेजात में आसिफ मर्चेंट का हवाला देते हुए लिखा गया है कि 1978 में कराची में पैदा हुए थे और पाकिस्तान में भी रिहाइश पजीर रहे। अदालत में इस्तगासा की जानिब से जो दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं, इनमें लिखा गया है कि आसिफ मर्चेंट ने हुकाम को बताया है कि इनकी एक अहलिया और बच्चे पाकिस्तान में हैं, जबकि इनकी एक अहलिया और बच्चे ईरान में भी रहते हैं। अमरीकी दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट की सफरी दस्तावेजात से जाहिर होता है कि इन्होंने ईरान, शाम और इराक कई बार सफर किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी और अमरीका में मबीना कातिलाना हमले की साजिश पर बयान जारी करते हुए कहा कि हमने मीडिया रिपोर्ट देखी हैं और हम अमरीकी हुकाम से रबते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि हमने अमरीकी हुकाम के इन बयान को देखा है, जिनके मुताबिक इस मामले की तफ्तीश अभी जारी है, इसलिए बाज़ाब्ता रद्द अमल जारी करने से कबल हम इस शख्स के लिए माजी से मुतलिक मालूमात की तफीक चाहते हैं। अमरीका तस्वुर के जरिए US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तस्वीर के अदालत में इस्तगासा की जानिब से जो दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं, इनमें ये तस्वीर भी शामिल है, जिसमें आसिफ मर्चेंट को मबीना तौर पर दिखाया गया है। हाथ से बंदूक का निशाना अदालती दस्तावेजात के मुताबिक अप्रैल 2024 के दौरान आसिफ मर्चेंट ने ईरान में कुछ वक्त गुजारा और इसके बाद वो पाकिस्तान से अमरीका आए। आसिफ मर्चेंट ने मबीना तौर पर जिस शख्स से रब्ता किया, इसने न्यूयॉर्क में कानून नाफिज करने वाले अदारों को इनकी इतला दे दी थी। अदालती दस्तावेजात में आसिफ मर्चेंट पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इन्होंने जून के अवाइल में इस मकजर से न्यूयॉर्क में मुलाकात की, जिस दौरान इन्होंने इस शख्स को कत्ल के मंसूबे की तफसीलात बताई थी। दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने मबैना तौर पर अपने मकासद के बारे में बात करते हुए हाथ से बंदूक का निशाना भी बनाया। मर्चेंट पर इल्ज़ाम है कि इस मंसूबे के तहत हदफ के घर से दस्तावेजात चुराई जाती थी, मुजाहरा किया जाता था और एक सियासतदान या हुकूमती अहदेदार का कत्ल करवाया जाना था। दस्तावेजात में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि आसिफ मर्चेंट ने इस शख्स से कहा कि इनकी मुलाकात उजड़ती कातिलों से करवाई जाए, जिसके बाद जून में FBI के खुफिया एजेंटों से इनका रब्ता करवाया गया। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जून के दौरान एक हिटमैन यानी अजरती कातिल से मुलाकात की, जो दरअसल इंटरकोर ऑफिसर थे और इन्हें कत्ल के
$5,000 की एडवांस अदायगी की गई। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट मुबीना तौर पर कत्ल के मंसूबे की तकमील से कबल 12 जुलाई को अमेरिका छोड़ना चाहते थे और इन्होंने इस सिलसिले में प्रवास की बुकिंग भी करवा रखी थी। आसिफ मर्चेंट ने मुबीना तौर पर कहा था कि वो अमेरिका छोड़ने के बाद कोर्ट वर्ड की मदद से रबते में रहेंगे, मगर इस रोज़ अमरीकी हुकाम ने इन्हें गिरफ्तार किया ताकि वो मुल्क से ना भाग सकें। ईरान से तल्लुकात का इल्ज़ाम इस मौके पर अमरीकी जनरल मेरिक गार्लैंड का कहना था कि ईरान कई वर्षों से ईरानी जनरल सुलेमानी के कत्ल के बाद इंतजाम की कोशिशें कर रहा है, जिस महकमा इंसाफ की जानिब से जारियाना अंदाज में नाकाम बनाया जा रहा है। महकमा इंसाफ हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करे ताकि ईरान के मौलिक मंसूबों का नाकाम बनाया जा सके और ईरानी शहरों का तहफ़ फ्राहम किया जा सके। FBI के डायरेक्टर के दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के ईरान से करीबी ताल्लुकात हैं और ये मंसूबा ईरान की एक सोची समझी हुकूमत अमली का नतीजा है। किसी भी अमरीकी शहरी या सरकारी अहलकार को कत्ल करने की कोशिश हमारी कौमी सलामती के लिए खतरा है। FBI तमाम वसाइल के साथ इसका मुकाबला करेगी। अमरीकी अटॉर्नी यूनियन ने इस हवाले से FBI के हवाले न्यूयॉर्क की पुलिस अटॉर्नी के मुताबिक दफ्तर अमरीकी प्रोटेक्शन का शुक्रिया अदा किया है, जबकि न्यूयॉर्क में FBI के कायम मुकाम असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिस्टी क्रस्ट के कहा कि खुशकिस्मती से मर्चेंट ने जिन कातलों को भर्ती करने की कोशिश की वो खुफिया FBI एजेंट्स थे। इस केस में न्यूयॉर्क और डलास में अमेरिकी एजेंट्स तजिया कारों और किला की मेहनत और अजम को उजागर किया। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी हॉस्ट अलिश्पा इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।